मेरा गिलास दो दिन से बैठा हुआ है। अपने आवाज़ के लिए आप लोग उसमें बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर, आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि सिखों के गुरु और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जो गुरु ने किया है और जो कम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे बहुत ही ट्रिक के माध्यम से। अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको ये पूरे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करें, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा। बाकी अगर आप हिंदी, रीजनिंग, संविधान, किसी भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट को जरूर चेक करें, क्योंकि हमारे प्ले लिस्ट पर सारे वीडियो ऑलरेडी पहले से ट्रिक के माध्यम से अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप बहुत ही आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को लेके आता रहता हूं। तो चलते देर ना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिखों के गुरु और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो परीक्षा में बार बार पूछता है, ठीक है। तो चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए, पहला है गुरु नानक देव, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। इसको आप कैसे याद करेंगे? तो देखिए, नानक में आ रहा है, नाना आ रहा है कि नहीं? तो नाना क्या करते हैं, हमको कुछ ना कुछ सिखाते हैं कि नहीं? नाना हमको सिखाते हैं, क्योंकि नाना बूढ़े बुजुर्ग हैं तो सिखाते हैं, सिखाने से हो गया सिख, ठीक है। तो नानक ने क्या की, सिख धर्म की स्थापना की, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला है गुरु अंगद। अंगद ने गुरुमुखी लिपि के जनक हैं, इनको गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है। इसको आप कैसे याद करेंगे? तो देखिए, इसमें आ रहा है मुख, मुख माने मुँह, लिप माने होता है होठ। तो मुख भी बॉडी का एक अंग है, लिप भी, होठ भी बॉडी का एक अंग है। और इसमें देखिए अंग आ रहा है तो अंग से हो जाएगा अंगर, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला है गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि गद्दियों, गद्दी पर अगर कोई बैठेगा तो वो अमर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही पूछेगा कि 22 गद्दियों की स्थापना किसने की, तो गद्दियों पर बैठ के इंसान क्या होगा, अमर होगा। तो अमर से क्या हो जाएगा, गुरु अमरदास हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला देखते हैं। देखिए, अगला है गुरु रामदास, इन्होंने अमृतसर की स्थापना की। इसको आप कैसे याद करेंगे? तो ये रामदास है, राम का जो दास है, राम माने भगवान, और भगवान के जो भी दास है ना, उनको तो अमृत पीने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप भगवान के दास हो, अच्छे दास हो, तो आपको अमृत पीने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही गुरु रामदास आएगा, आप समझ जाइएगा कि राम का दास है, तो उसको अमृत पीने को मिलेगा और अमृत से क्या हो जाएगा, अमृतसर की स्थापना। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला है गुरु अर्जुन देव, इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना करी और आदि ग्रंथ लिखा। इसको आप कैसे याद करेंगे? तो आपने एक मूवी देखी है, हिंदी मूवी, उस मूवी का नाम है अर्जुन पंडित नाम है कि नहीं? उसमें हीरो कौन रहता है, सनी देओल रहता है, ठीक है। तो अर्जुन पंडित आ रहा है कि नहीं? तो अर्जुन जैसे मिलेगा आप तुरंत निकालोगे अर्जुन पंडित, और पंडित क्या करते हैं, पंडित ही ग्रंथ पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं? तो ग्रंथ से क्या हो जाएगा, आदि ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। और मंदिर यहाँ पे आ रहा है, तो मंदिर में कथा सुनाने कौन जाते हैं, पंडित जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अर्जुन पंडित आएगा तो पंडित से रिलेटेड कुछ भी आएगा, मंदिर आएगा तो मंदिर पर आप टिक लगाओगे, और ग्रंथ आएगा तो ग्रंथ पर आप टिक लगा दोगे, ठीक है। चलते हैं अगला देखते हैं। देखिए, अगला है गुरु हर गोविंद। देखिए, गुरु हर गोविंद एक है और एक है गुरु गोविंद। देखिए, जो लास्ट नंबर पे है वो है गुरु गोविंद, तो इन दोनों में लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो पहले मैं इसको रेडी कराता हूँ, फिर बीच में जो बच रहा है ना उसको देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं गुरु हर गोविंद का। देखिए, यहाँ पे आ रहा है गोविंद, हर माने हर इंसान को, जो गोविंद है ना वो हर इंसान को अकाल देता है। अकाल माने क्या होता है, अकाल माने होता है संकट, कष्ट, समस्याएं, ठीक है। तो गॉड क्या करता है, गोविंद क्या करता है, हर इंसान के रास्ते में क्या करता है, अकाल पैदा करता है, इससे वो अकाल से लड़े, वो लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। तो जैसे गुरु हर गोविंद आएगा तो आप समझ जाइएगा कि गोविंद हर इंसान के रास्ते में अकाल पैदा करता है, कष्ट पैदा करता है, ठीक है। तो कष्ट से क्या हो जाएगा, अकाल तख्त की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्या है, गुरु गोविंद सिंह। अब यहाँ सिर्फ गोविंद आ रहा है, तो जो गोविंद, जो भगवान है, वो जितने भी लोग गलत काम करते हैं ना, उनका खाल खींच लेता है। देखिए, वहाँ हर गोविंद था, हर गोविंद में क्या, हर गोविंद हर इंसान के लाइफ में संकट देता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ गोविंद है, तो गोविंद क्या करता है,
जितने भी लोग बुरे होते हैं उनका खाल क्या करता है, खींच लेता है। तो खाल से क्या हो जाएगा, खालसा पंथ की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं, जो बचा हुआ था उसको देख लेते हैं। देखिए आगे क्या है, गुरु हर राय, इन्होंने क्या किया, दारा सिखों की सहायता की। तो यहाँ पे देखिए हर आ रहा है और राय आ रहा है, तो हर इंसान केवल राय देता है, सहायता कम लोग करते हैं, साथ कम लोग देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सहायता करी थी किसकी, दारा सिखों की। ठीक है, और कैसे, उसके द्वार पे जाके, सिखों माने बिना शक करके, द्वार पे जाके बिना शक किए क्या की थी, उसकी सहायता की थी। तो उसको आप कैसे याद करेंगे कि हर लोग केवल राय देते हैं, लेकिन हर राय ने क्या किया था, सहायता भी किसी द्वार पे जाके सिखों का। ठीक है, तो बिना शक किए, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला है गुरु हर किशन, इन क्या हुई थी, इनकी कम आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इसको आप कैसे याद करोगे, तो देखिए गुरु हर किशन में आ रहा है हर किस आ रहा है, यानी किस, अब जो भी इंसान किस करेगा मतलब क्या, अरे किस कर रहा है इसका मतलब गलत ट्रैक पे जा रहा है कि नहीं, और गलत ट्रैक पे जा रहा है तो किस करेगा, कुछ और करेगा, फिर कुछ और करेगा, दारू पिएगा, तो उसको बुरी लत लग जाएगी। और जो इंसान को बुरी लत लग गई ना, वो कम आयु में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो जैसे गुरु हर किशन आएगा, किशन में आप किस निकालोगे और किस ले रहा है, तो कम आयु में क्या होगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला है गुरु तेग बहादुर, इनको क्या हुआ था, औरंगजेब ने फांसी दे दी थी। इसको आप कैसे याद करोगे, तो यहाँ पे देखिए तेग बहादुर आ रहा है, तेग माने तेज, बहादुर माने बहादुरी। ये क्या कर रहे थे कि औरंगजेब को अपनी बहादुरी दिखा रहे थे। अब औरंगजेब को गुस्सा आया, इन्होंने बहादुरी से क्या कर रहा था, अपना रंग दिखा रहे थे। किसको दिखा रहे थे, औरंगजेब को। तो ये बहादुरी से अपना रंग औरंगजेब को दिखा रहे थे। तो भाई जब ज़्यादा होशियार बनोगे तो दिक्कत होगी ना, तो औरंगजेब ने इनको पकड़ा और फांसी दे दी। ठीक है, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये बहुत तेज से बहादुरी दिखा रहे थे, और औरंगजेब ने पकड़ी क्या कि इनको फांसी दे दी। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला है गुरु हर गोविंद सिंह, इन्होंने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इसके बारे में आपको पहले बता दिया। ठीक है, एक नोट्स है, और नोट्स को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ। देखिए ये जो सिखों के 10 गुरु हैं, इनको अगर आप क्रम से याद करना चाहते हैं कि पहले नंबर पे कौन से गुरु थे, दूसरे नंबर पे कौन से गुरु थे, तीसरे नंबर पे कौन से गुरु थे, तो इसका मैं ट्रिक के साथ एक वीडियो और बनाया हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके उसको ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलते हैं नोट्स देख लेते हैं। देखिए नोट्स क्या है कि जो गुरु गोविंद सिंह थे, वो गुरु तेग बहादुर क्या थे, बेटे थे। मतलब ये जो देखिए जो 9वें गुरु थे, ये बाप थे, जो 10वें गुरु थे वो कौन थे, बेटा थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को और फिर से देख लीजिए, और हाँ अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।